अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे थे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम क्वेश्चंस कर चुके हैं 5। आज जो हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर करना है 6। परफॉर्मा उसी तरह से सीरियल नंबर, नेचर और रीजन। हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट में हम वो 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे पहले कि किन 3 पॉइंट्स की बुनियाद पर कैपिटल को और रेवेन्यू को अलहदा अलहदा किया जाता है। वो 3 पॉइंट्स क्या थे स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट ये था कि अगर कोई आइटम हमारे बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा के लिए फ़ायदा पहुँचाएगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और अगर कोई आइटम हमारे बिजनेस को 1 साल या 1 साल से कम के लिए फ़ायदा पहुँचाएगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर कोई आइटम नॉन रिकरिंग होगा, बार बार रिपीट नहीं होगा, साल के दौरान अगर कोई आइटम रिपीट नहीं होता तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और ऐसा आइटम जो बार बार साल के दौरान या कम से कम 1 बार साल के दौरान रिपीट हो जाता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर कोई आइटम बिजनेस की प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कोई आइटम बिजनेस की प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी को सिर्फ बरकरार रखेगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन्हीं 3 पॉइंट्स को जहन में रखते हुए देखें, पहला उसने लिखा हुआ है बहुत ही आसान, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आपने फिक्स एसेट खरीदा, बच्चों जब भी आप फिक्स एसेट खरीदोगे ना तो आंखें बंद करके लिख देना कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट खरीदना तो हमेशा बिजनेस को 1 साल से ज्यादा के लिए फायदा पहुंचाना है। फिक्स एसेट होता ही वो है जो बिजनेस को 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट पहुंचाता है। तो जब भी आप कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे, जैसे उसने लिखा कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमेशा 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, तो फिक्स एसेट का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रीजन क्या लिखेंगे कि इट विल प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। चूंकि ये बिजनेस को फायदा 1 साल से ज्यादा के लिए पहुंचाएगा तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा। दूसरा देखिएगा, ये खुद से सोचे जरा, वैसे मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं। अ हैवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर वॉज मेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। अभी पिछले क्वेश्चन का, 5वें क्वेश्चन का आखिरी जो था वो यही था कि नए प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की, और मैंने इसमें क्या समझाया था जरा रिकॉल करें। ड्रामे की एग्जांपल दी थी, दोबारा दिए चलता हूँ, कि जब एक नया ड्रामा शुरू होना होता है तो 6 महीने पहले उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू हो जाती है। वो एडवर्टाइजिंग इतनी हैवी की जाती है कि खुद ब खुद लोगों को उस ड्रामे के बारे में इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, इतनी दिलचस्पी उनके दिल में आ जाती है कि वो ड्रामा देखना शुरू कर देते हैं। तो जो भी नए प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग होती है, हैवी एडवर्टाइजिंग, उसका बेनिफिट हमेशा 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। तो कोई भी नई प्रोडक्ट जब मार्केट में आए और आप उसकी एडवर्टाइजिंग करें तो वो एडवर्टाइजिंग जो है वो आप क्या कहेंगे उसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे रीजन? इट्स बेनिफिट विल बी फॉर मोर देन 1 ईयर। देखिए स्टूडेंट कितना आसान है, रीजन में बस आपने 3 में से कोई एक रीजन लिख देनी है, जो आप बेहतर समझते हैं वो रीजन आप लिख सकते हैं। तो इंतहाई आसान जो है ये तरीकाकार, ये चैप्टर है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी टाइम दें, शायद 1 से 2 घंटा भी अगर आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें तो आपका ये चैप्टर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर इसमें है 3, वेजेस पेड फॉर वर्कर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। बहुत ध्यान से समझना इसको, वर्कर्स को आपने वेजेस, उजरत पे की। अच्छा, उजरत पे करना, मजदूरों को तनख्वाहें पे करना जो है, उजरत पे करना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। वो फौरन देखते हैं कि उजरत तो बार बार पे की जाती है तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। बच्चों इस बात पे फैसला नहीं करना, आपने देखना है कि वेजेस किस मकसद के लिए दे रहे हैं। अगर आप मजदूरों को उजरत किसी एसेट के बनाने के लिए दे रहे हैं, यानी वो कोई मशीनरी बनाते हैं, आप उसके लिए उजरत देते हो, तो मशीनरी का फायदा 1 साल से ज्यादा है तो उस उजरत का भी फायदा फिर 1 साल से ज्यादा होगा। अगर आप उजरत देते हैं कोई घर बनाने, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो चूंकि उसका फायदा 1 साल से ज्यादा होगा तो वो जो उजरत होगी वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। इसके बरक्स अगर आप उजरत लोगों को देते हैं रोजमर्रा की चीजें बनाने के लिए, एक तंदूर वाला तंदूर में रोटियां लगा के बेचता है,
उसको आप दिहाड़ी देते हैं रोज की, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि चीज बनी उसी वक्त बिक गई, उसका फायदा एक साल से ज्यादा नहीं है। जबकि आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर को तनख्वाह दे रहे हो, तो बिल्डिंग का फायदा एक साल से ज्यादा है। तो जहन में रखना कि वेजेस को और किराया, ये जो दो चीजें हैं, इनको डायरेक्टली पढ़ते ही नहीं आपने फैसला कर लेना, ये देखना है कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर वेजेस या दूसरी चीज बात कर रहा हूँ किराया रोजमर्रा की चीजों के साथ होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और अगर ये किसी फिक्स एसेट के साथ होंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो अब के क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है, वेजेस पेड टू वर्कर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड, रोजमर्रा की चीजें बनानी है उसके लिए जो वेजेस हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा का है तो ये क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे कि इट इज रिकरिंग इन नेचर, क्योंकि ये रोजमर्रा रिपीट होना है जब चीजें बनाएंगे। जैसे मैंने बताया तंदूर वाला जब रोटी बनाएगा आप उसको ध्यान अदा करोगे, पैसे अदा करोगे, तो ये आपका रिकरिंग है, बार बार रिपीट होता रहेगा, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर फोर, परचेज ऑफ लीज होल्ड लैंड, वर्ड उसने लिखा लीज होल्ड लैंड, लीज होल्ड लैंड हमेशा एक बिजनेस का फिक्स्ड एसेट होता है। लीज होल्ड लैंड से मुराद होता है आप किसी की जमीन को 10 सालों के लिए हासिल कर लें, 20 सालों के लिए हासिल कर लें, 50 सालों के लिए हासिल कर लें। जब आप जमीन लीज पर लेते हैं तो वो हमेशा एक साल से ज्यादा अरसे के लिए होती है। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आपने बिल्डिंग खरीदी लीज के ऊपर, लीज होल्ड लैंड है, आप बैंक से लीज करा लें, लीज का मतलब होता है सिंपली किस्तों पर ले लेना, आसान अल्फाज में आपके नॉलेज के लिए किस्तों पर आपने ले लें, तो वो किस्तें 5 साल 10 साल 20 साल तक आप अदा करेंगे, तो इसका बेनिफिट भी जो है वो एक साल से ज्यादा के लिए होगा। तो जब आप लीज होल्ड लैंड लेते हैं तो फिर यकीनी तौर पर स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, क्योंकि इसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा होगा तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो लीज होल्ड लैंड आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीजन में क्या लिखेंगे, वही ऊपर वाला कि इट विल प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा तक, ये ज्यादा अरसे तक बेनिफिट देगा, तो ये आपका बनेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आखिरी है बिल्कुल नई चीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर आपके इस कोर्स में है ही नहीं, पार्ट वन के, पार्ट टू के कोर्स में है डिबेंचर। सिंपल अल्फाज में स्टूडेंट्स आपको बताया चलता हूँ, लंबे अरसे का कर्जा हासिल करने का तरीकाकार है डिबेंचर। लंबे अरसे का कर्जा हासिल करने के लिए होता है, लंबे अरसे का कर्जा ये कम अज़ कम 5 साल। डिबेंचर उर्दू वालों ने इसको पढ़ा होगा असूल तिजारत की बुक में तमस्सुकात के नाम से, इंग्लिश वालों ने इसको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में डिबेंचर के नाम से ही पढ़ा है। ये लंबे अरसे का कर्जा हासिल करने के लिए एक तरीकाकार होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, चूंकि इसका फ़ायदा कंपनी को एक साल से ज़्यादा रहेगा तो डिबेंचर के ऊपर जो भी खर्चा होगा, जैसे डिस्काउंट उसके ऊपर एक खर्चा है, ठीक है, तो इसका जो खर्चा होगा वो यकीनन एक साल से ज़्यादा तक बेनिफिट देगा, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ये जो उसने लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्या लिखेंगे इसकी रीजन, इट्स बेनिफिट विल बी फॉर मोर देन 1 ईयर। और आप दूसरी रीजन भी दे सकते हैं, दूसरी रीजन क्या दे सकते हैं, क्योंकि डिबेंचर कर्जा जो है आपने कई सालों के लिए ले लिया, अब बार बार आपने ये काम नहीं करना, बार बार ये कर्जे वाले कर्जे का खर्चा नहीं करना, ये एक बार आपने कर्जा लिया 5-10 सालों के लिए, तो ये नॉन रिकरिंग भी है। तो इसकी दूसरी रीजन आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, दोनों पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आप देखें कि बार बार आपके ऊपर वही रिपीट हो रहे कि इट्स बेनिफिट विल मोर देन 1 ईयर, तो आप आखिरी में थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दें, क्या लिख दें, इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर, दोनों बातें ठीक है, ठीक है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन ग्रुप में इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन फाइव तक जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर तक था। क्वेश्चन 6 में आप एक चीज पढ़ेंगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू
रिसीट, रिसीट कहते हैं वसूलियों को। अच्छा देखो, जैसे एक्सपेंडिचर का वर्ड पीछे पड़ा खर्च करने को, इसी तरह वसूलियां, जैसे आपका खर्चा कभी एक साल से कम के लिए फ़ायदा देता है, कभी एक साल से ज़्यादा के लिए फ़ायदा देता है, इसी तरह जो वसूलियाँ होती हैं वो भी बाज़ात एक साल से कम के लिए होती हैं और बाज़ात एक साल से ज़्यादा के लिए होती हैं। मैं आपको बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, फ़र्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ बात साल की है। साल से कम पैसा खर्च करो या वसूल करो वो रेवेन्यू होता है, साल से ज़्यादा पैसा खर्च करो या वसूल करो वो कैपिटल होता है। ठीक है, सिर्फ एक्सपेंडिचर होगा तो वो खर्चे की बात होगा, रिसीट होगा तो वो वसूली की बात होगा। ठीक है, देखो फर्ज करो आप आज एक एसेट खरीदते हो, फर्ज करो आज आपने फर्नीचर खरीदा 1,00,000 रुपए का 5 सालों के लिए, तो फर्नीचर खरीदने पे जो आपने 1,00,000 रुपया खर्चा किया, क्योंकि इसका बेनिफिट 5 सालों के लिए है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। 5 सालों बाद आपने वो फर्नीचर बेच दिया, लेट्स सपोज 80,000 का। अब वो जो 5 सालों बाद आपको 80,000 मिल रहे हैं, क्या वो आपको हर साल मिलेंगे? नहीं, वो 5 सालों बाद एक ही बार आपको उससे जो है पैसे मिले, तो उसकी जो रिसीट होगी वो कैपिटल रिसीट होगी। तो सिर्फ फ़र्क है एक्सपेंडिचर और रिसीट में, अदायगी और वसूली का। अगर अदा कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर, अगर वसूल कर रहे हैं तो रिसीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो मिक्स कर रहा है थोड़ा सा, कहीं पर वसूली की बात कर रहे हैं, कहीं पर अदायगी की बात कर रहे हैं। तो शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को, सीरियल नंबर, उसके बाद नेचर, और उसके बाद हमने रीजन के ऊपर बात करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स, सीरियल नंबर में पहला पॉइंट है वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। बड़ा आसान सा पॉइंट है, मशीनरी को नसब किया, इंस्टॉलेशन नसब किया। मैंने बताया था मशीनरी के साथ जो खर्चा है, मशीनरी चूँकि फिक्स एसेट है, इसके साथ जो भी उजरत देंगे वो भी लंबे अरसे के लिए होगी। मशीनरी इंस्टॉल करने से मुराद है मशीनरी को नसब करना। जैसे फर्ज करो आप घर में पानी की बोरिंग कराते हो, पानी की बोरिंग कराने से मुराद क्या है? ज़मीन के अंदर पाइप नसब कर रहे हो जिसकी मदद से पानी निकलकर बाहर आएगा, वो मोटर लगा रहे हो जो पानी को बाहर खींचेगी। इसको कहते हैं मशीनरी को नसब करना, इंस्टॉल करना। मुझे बताएं क्या वो रोज़मर्रा इंस्टॉल होती है? जब भी आपने पानी निकालना है तो क्या बार बार मशीनरी को इंस्टॉल करते हो? नो, एक ही बार आपने इंस्टॉल कर ली, अब जस्ट आपने उससे बेनिफिट उठाना है कई सालों तक। तो जो लोग जो मशीनरी को नसब करेंगे उनको जो आप उजरत देंगे उस उजरत का फ़ायदा आपको एक साल से ज़्यादा होगा, और जब बेनिफिट एक साल से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स ये जो उसने कहा हुआ था वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इसकी आप नेचर में, सॉरी रीजन में क्या लिख सकते हो कि इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर भी लिख सकते हो, या इट्स बेनिफिट फॉर लॉस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर ये भी लिख सकते हो, नॉन रिकरिंग इन नेचर। मैंने शॉर्टकट लिख दिया आपकी आसानी के लिए कि ये जो वेजेस आपने नसब करते वक्त दी वो एक ही बार देनी है, वो बार बार रिपीट नहीं होनी, तो ये क्या होगा? नॉन रिकरिंग होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसके साथ दूसरा पॉइंट है पेमेंट मेड ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर। अब तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, फर्नीचर खरीदा, और बच्चों क्या पढ़ाया था, जब भी फिक्स एसेट खरीदते हो फिक्स एसेट का खरीदना हमेशा कैपिटल होता है। वो कहते हैं आपने पैसे अदा किए फर्नीचर खरीदने पर, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट होता है, एक साल से ज़्यादा चलता है, तो जब भी आप फिक्स एसेट खरीदोगे तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ कि इट्स बेनिफिट विल बी फॉर मोर देन 1 ईयर। तो स्टूडेंट्स जब भी फिक्स एसेट खरीदा जाएगा फिक्स एसेट का बेनिफिट एक साल से ज्यादा होगा, वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा। तीसरा है कस्टम ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी, नया वर्ड आ गया कस्टम ड्यूटी, सिर्फ लफ्ज चेंज करता है, बात इसमें कोई मुश्किल नहीं करता। जब आप कोई मशीनरी बाहर से मंगाते हैं, बाहर से जब मंगाते हो तो जो एयरपोर्ट के ऊपर कस्टम हुकाम को, कस्टम कहते हैं टैक्स वालों को, जब आप टैक्स वालों को बाहर से मशीनरी मंगाने पर पैसा देते हो तो वो एक ही बार, जब आपने मशीनरी मंगाई कई सालों के लिए तो ये कस्टम ड्यूटी भी एक ही बार आपने अदा की, तो ये नॉन रिकरिंग होता है। मशीनरी खरीदने के साथ किराया है, देखो फर्ज करो आप बाहर से जो है सीमेंट का पूरा प्लांट मंगाते हो जिस पे आपने सीमेंट बनाना है,
या बाहर से आप देखो अक्सर गाड़ियां आती हैं, वो बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट पूरे पूरे बहरी बेड़े भर के आते हैं गाड़ियों के। अगर आपने बाहर से गाड़ी मंगाई तो उसके ऊपर कस्टम वालों को एक ही बार आपने पैसा देना है, एयरपोर्ट के ऊपर या सी पोर्ट के ऊपर जहां से भी जिस मर्जी चैनल के थ्रू आपने मंगाया, तो वो पैसा क्या आपका बार बार रिपीट होगा? नो, वो एक बार आपने मशीनरी खरीदी और कस्टम हुकाम को पैसे अदा किए, तो ये जो कस्टम ड्यूटी मशीनरी के लिए होगी ये यकीनी तौर पर नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं होगी, एक ही बार अदा की जाएगी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या लिखेंगे? इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। उसके बाद नेक्स्ट देखें सर, इसमें मैंने एक चीज़ गलत कर दी, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 लिखना था, मैंने 6 लिख दिया, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। अच्छा जी, इसका पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 पीछे गुजर चुका है, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग। आपने अपने बिल्डिंग को एयर कंडीशन कराया, ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा पॉइंट अगेन आ गया, जब आप एयर कंडीशन कराओगे तो मुझे बताओ कि एयर कंडीशन साल के अंदर अंदर दोबारा कराओगे? स्टूडेंट्स आपके घर में अगर एसी चल रहा है तो क्या हर साल नया एसी लगाते हैं? नहीं ना बच्चों, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। एयर कंडीशन से मुराद आपने अगेन फिक्स एसेट खरीदा, और जब फिक्स एसेट खरीदा तो उसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा है, ठीक है। तो जब भी वो बात करता है कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशन किया पूरी बिल्डिंग को, तो उसका बेनिफिट कई सालों तक चलेगा। जिसका बेनिफिट कई सालों तक चलेगा वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये जो उसने लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग, इसके साथ क्या लिखेंगे? इट्स बेनिफिट विल लास्ट फॉर, लास्ट फॉर से मुराद बरकरार रहेगा, लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। चूंकि इसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा तक चलेगा तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सिर्फ एक आखिरी जो पांचवा आइटम है वो उसने बात की हुई है रिसीट के साथ, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, पांचवे में कहता है प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ फिक्स्चर। ये जो पॉइंट आपके सामने मैं लिख रहा हूं रिसीट वाला, ठीक है, इसको देखेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं जो उसने बात कही हुई है, प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट अर्न से मुराद क्या है? मुनाफा कमाया या वसूल किया, ठीक है। अब बात आ गई वसूली की, पहले 4 पॉइंट थे खर्चे के, एक्सपेंडिचर 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 एक्सपेंडिचर, पांचवा पॉइंट आ गया रिसीट का, पैसे वसूल किए। किस चीज के ऊपर पॉइंट पढ़े तो उसने कहा प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट सेल करने के ऊपर जो आपको प्रॉफिट हुआ। देखो स्टूडेंट्स, फिक्स एसेट का जैसे कि खरीदना, जैसे कि फिक्स एसेट का खरीदना कैपिटल नेचर का था, फिक्स एसेट का बेचना भी कैपिटल नेचर का होता है। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि फर्ज करो हमने फर्नीचर खरीदा 5 सालों के लिए 1,00,000 रुपए का, जब फर्नीचर हम बेचेंगे, ठीक है, 5 साल बाद, तो क्या वो रकम हमें रोज मिलनी है? नहीं ना भाई, 5 साल बाद एक ही मर्तबा मिलनी है, वो नॉन रिकरिंग है, उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा है। तो अगर फिक्स एसेट के ऊपर प्रॉफिट होगा तो जैसे फिक्स एसेट का खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसी तरह फिक्स एसेट का बेचना कैपिटल रिसीट कहलाएगा, कैपिटल रिसीट। यहां पर वर्ड अब एक्सपेंडिचर नहीं लगाना, अब रिसीट लगाना है क्योंकि आपको वसूल हो रहा है। तो कहते हैं प्रॉफिट आपने कमाया फिक्स एसेट बेचकर, तो ये फिक्स एसेट को बेचने वाला प्रॉफिट एक साल से ज्यादा के लिए होता है, तो क्या लिखेंगे कि इट्स, या लिख दें इसके साथ आसान वर्ड यूज कर लेते हैं, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये नॉन रिकरिंग आइटम है तो ये आपका कैपिटल रिसीट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। मज़ीद इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो हम कमिंग सून जो लेक्चर्स हैं हमारे उनमें करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 मैं आप लोगों के लिए घर से छोड़ रहा हूँ, ये आप एज एन असाइनमेंट मुझे सबमिट करेंगे और इसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन ग्रुप में बड़ी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी मैंने करा दिया, 8, 9 जो क्वेश्चन है और 10 ये आपकी होम टास्क है, असाइनमेंट है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम असाइनमेंट के वक्त में डिस्कशन ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।